Good morning, student. I am Sanjeev Kumar Jha. Today we continue our discussion about features of democracy. At least two features already we discussed. That there is third features of democracy. That is one person, one vote, and one value. In every democratic country, follow universal adult franchise. That means.

वो उनके वोट का वैल्यू बराबर होगा और प्रत्येक को वोट देने का अधिकार भी होगा इसी बात को हम देखते हैं क्या दूसरे कंडीशन में दूसरे देशों में यही बात है या नहीं है एक उदाहरण लेते हैं सऊदी अरेबिया का इन सऊदी अरेबिया वीमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था पहले लेकिन 2015 से अब महिलाएं वोट दे रही हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे लोगों ने इतना हल्ला किया कि उनको भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया अब बताइए एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक ये जो कंडीशन है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू इसको फुलफिल नहीं करता है अब दूसरा उदाहरण लेते हैं एस्टोनिया रशियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि इस्टोनिया वहाँ पर रशियन माइनॉरिटी माना रसिया के कुछ लोग रहते हैं वो माइनॉरिटी में बहुत कम संख्या में तो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि उनको वोट देने का अधिकार है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मतलब उनको वोट देने का ही अधिकार नहीं है या कह सकते हैं या कि इनको मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आप बताइए एक देश है जहाँ पे मेजोरिटी को अधिकार है वोट देने का और माइनॉरिटी को वोट देने का अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी के कंडीशन को इस कंडीशन को वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू को फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि एस्टोनिया में भी जो डेमोक्रेसी है वो नहीं है डेमोक्रेसी नहीं है अब एक उदाहरण लेते हैं फिजी तीसरा उदाहरण फिजी फिजी में क्या है कि एक टर्म आया है इंडिजीनियस फिजी और इंडियन फिजी देखिए जब भारत ग़ुलाम था उस समय में बहुत सारे देश से मतलब भारत से ब्रिटिश बहुत सारे लोगों को श्रीलंका और दूसरे दूसरे देश ले जाते थे किस चीज़ के लिए लेबर के रूप में तो क्या काम करवाते थे उनसे लेबर के लिए में टी प्लांटेशन रबर प्लांटेशन इसमें काम करवाते थे और वो वहीं पे रह गए वहीं पे रह गए तो वो मूल रूप से इंडियन मूल हुए लेकिन रह गए वहाँ पर तो उनके साथ भेदभाव भी होता है या जिस तरह का बात है आप श्रीलंका में इस तरह का देख सकते हैं तो उनको क्या बोला जाता है श्रीलंके श्रीलंका के मूल निवासी नहीं बोला जाता उनको इंडियन श्रीलंकन के नाम से जाना जाता है इंडियन श्रीलंका श्रीलंकन ठीक है और फिजी का उदाहरण देखिए वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी मोर वैल्यू मतलब वहाँ के फिजी के जो मूल निवासी होंगे उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा देन ऑफ इंडियन फिजी जो इंडियन इंडिया से जाके बस गए हैं ठीक तो क्या फिजी में जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है डेमोक्रेसिक कंट्री उसको कह सकते हैं नहीं इस आधार पे वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू के आधार पे हम डेमोक्रेसी उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वोट का अधिकार उसको नहीं है अब फाइनली एक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का तीसरा पॉइंट जो निकल के आया क्या निकल के आया इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू समान वैल्यू होना चाहिए ठीक है इसकी बात ये आपको कह रहा है मतलब क्या होगा पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए उनके वोट का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए तो ये तीसरा फीचर्स हो गया एक लास्ट और फीचर है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे ओके थैंक यू